ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम एंडोक्राइन की जो हिस्टोलॉजी है, एंडोक्राइन सिस्टम की हिस्टोलॉजी को डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम की हिस्टोलॉजी, एंडोक्राइन जो सिस्टम है, इसमें बेसिकली जो है वो सबसे पहले हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स आएंगे। इसको हम बेसिकली जो है ना वो तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम की हमारे पास जो है जो इसके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स आई हैं, ऑर्गन्स आई हैं, ग्लैंड्स हैं, तो इनको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो एंडोक्राइन प्रॉपर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आएंगे, प्रॉपर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आएंगे। उसके बाद हमारे पास एंडोक्राइन मैसेज ऑफ द सेल इन द पैंक इन डिफरेंट जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं उनको एंडोक्राइन मैसेज, एंडोक्राइन मैसेज आएंगे इन डिफरेंट ऑर्गन। और उसके अलावा हमारे पास आइसोलेटेड एंडोक्राइन सेल्स आएंगे, आइसोलेटेड आइसोलेटेड एंडोक्राइन जो सेल्स हैं वो जो डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे आएंगे। तो प्रॉपर जो एंडोक्राइन जो हमारे पास ग्लैंड्स हैं उनमें हमारे पास सबसे पहले आएगा सुप्रा रीनल ग्लैंड, सुप्रा रीनल ग्लैंड। और उसके बाद हमारे पास आएंगे पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद हमारे पास आएगा थायराइड ग्लैंड। उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट ग्लैंड आएगा वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद हमारे पास कुछ एंडोक्राइन मैसेज हैं जो कि डिफरेंट जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इनमें सबसे पहले हमारे पास पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज के अंदर आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होंगे। इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो टेस्टीज हैं, टेस्टीज के अलावा हमारे पास ओवरीज हैं, ओवरीज के अलावा हमारे पास कुछ किडनी से भी हार्मोन जो एंडोक्राइन है वो रिलीज होते हैं। इसके अलावा थाइमस, हाइपोथैलेमस, हमारे पास थाइमस, थाइमस से थाइमिन। और इसके अलावा हमारे पास हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बाद हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी डिफरेंट हार्मोन रिलीज होते हैं। और पाइनियल बॉडी, ये हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे एंडोक्राइन मैसेज होंगे, पाइनियल बॉडीज। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो एंडोक्राइन मैसेज हैं वो प्रेजेंट हो गए जो कि एंडोक्राइन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आएंगे, उसके बाद हमारे पास आएंगे आइसोलेटेड एंडोक्राइन सेल्स। आइसोलेटेड एंडोक्राइन सेल्स जो हैं वो डिफरेंट अदर स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। उसमें स्पेसिफिकली कुछ सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं एंडोक्राइन हार्मोन्स। उनमें हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास ऑर्गन है वो है हमारे पास स्टॉमिक। स्टॉमिक के बाद जो सेकेंड ऑर्गन आएगा वो हमारे पास इंटेस्टाइन है। यहाँ पे जो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स हैं इंटेस्टाइन के अंदर और स्टॉमिक के अंदर वो डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड जो है वो भी, पैरोटिड ग्लैंड भी एंडोक्राइन जो है ना वो सेल्स रखता है जहाँ से एंडोक्राइन सिक्रीशंस आती हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास एंडोक्राइन हिस्टोलॉजी है, एंडोक्राइन हिस्टोलॉजी के अंदर वो वाले जो ग्लैंड्स होते हैं जिनकी सिक्रीशन जो है ना वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर होती हैं, इनकी सिक्रीशंस को बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने के लिए हमें ड्रग्स की ज़रूरत जो है ना वो नहीं होती। सो इनकी सिक्रीशन जो है ना वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर जो है ना वो सिक्रीट हो जाती हैं। उसके बाद है हमारे पास इनके अंदर, इनके ऊपर जो है ना वो फेनेस्टर्ड कैपलरीज होती हैं जो कि कैरी करती हैं सिक्रेटेड हार्मोन्स को टू दी ब्लड। और इसमें जो है ना एंडोक्राइन जो है, एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम जो है ये रेगुलेट करता है तमाम बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उनको रेगुलेट करता है। इनकी जो सिक्रीशंस होती हैं वो बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए कंट्रोल्ड होती हैं। तो ये थे हमारे पास जो है ना सा ओवरव्यू एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स का।